students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I am going to tell you a very important literary topic, and that is Sons of Bane or Tribe of Bane. So, who were the Sons of Bane or Tribe of Bane? As the name suggests, Sons of Bane means the follower of Bane Johnson. Who was Bane Johnson? Bane Johnson was a great English dramatist, and his lifespan is 1572 to 1637. Student, Bane Johnson's followers, Sons of Bane or Tribe of Bane, they were imitate the writing style of Bane Johnson. That's why they were known as Sons of Bane or Tribe of Bane. I hope you understand. Student, जो Bane Johnson थे, जो English के great dramatist माने जाते हैं after Shakespeare, जिन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो टर्म है, जिसका प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, वो दी है, उसको पॉपुलराइज्ड किया है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को. और मास्क जो मैंने जिस पे वीडियो बनाया था उसको भी उसमें भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है बेन जॉनसन का. सो जो आज का हमारा टॉपिक है सन्स ऑफ बेन और ट्राइब ऑफ बेन, वो भी बेन जॉनसन से ही एसोसिएट है. सो स्टूडेंट, बेन जॉनसन जो हैं वो एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे, जिनका लाइफ स्पैन है 1572 to 1637. और इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखे और उन्होंने बहुत अच्छे ड्रामा लिखे, लाइक वॉलपॉन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर. सो इनके काफ़ी अच्छे वर्क्स हैं. आज का हमारा टॉपिक है सन्स ऑफ बेन. तो सन्स ऑफ बेन कौन थे? जो बेन जॉनसन के फॉलोवर थे, जिन्होंने इनकी राइटिंग स्टाइल को इमिटेट किया, मीन्स उसकी नकल करी और अपने वर्क्स में उनकी राइटिंग स्टाइल को लिया, इसीलिए ये सन्स ऑफ बेन के नाम से जाने जाते हैं. सन्स ऑफ बेन का मतलब ये नहीं कि ये सारे ही बेटे रहे हैं बेन जॉनसन के. बेन जॉनसन के बेटे नहीं थे ये. ये एक लिटरी क्लब था जिसके मेंबर्स थे, 11 मेंबर्स माने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू जॉन ली. 11 मेंबर्स सन्स ऑफ बेन हैं. तो इन 11 मेंबर्स ने जो बेन जॉनसन की राइटिंग स्टाइल थी उसको फॉलो किया और उस राइटिंग स्टाइल को अपने वर्क्स में इमिटेट किया, इसीलिए ये सन्स ऑफ बेन और ट्राइब ऑफ बेन के नाम से जाने जाते हैं. सो यू डोंट हैव टू रीड डिटेल्स ऑफ दीज 11 राइटर्स. You just remember the name of these writers according to your net point of view. मतलब आपको इन 11 जो writers हैं या जो भी sons of Bane हैं 11, उनके works को detail में याद रखना as such ज़रूरी नहीं है. आपको सिर्फ ये 11 नाम जो हैं ये याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से सन्स ऑफ बेन और ट्राइब ऑफ बेन कौन है या कौन नहीं है, ये क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछा जाता है. सो आपको ये 11 नाम याद रखने हैं. बट यस, यू हैव टू रीड बेन जॉनसन्स वर्क इन डिटेल. बेन जॉनसन के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. बट आपको सन्स ऑफ बेन जो हैं उनको ऐसा डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है. बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एज योर विश, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नाम ही काफ़ी हैं. सो इनके जो नाम हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. आपको इतना तो समझ में आ गया कि सन्स ऑफ बेन कौन है? वही हैं जो फॉलो करते थे बेन जॉनसन की राइटिंग स्टाइल को, इसीलिए इनको सन्स ऑफ बेन बोला गया या ट्राइब ऑफ बेन बोला गया. मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन सन्स ऑफ बेन की जगह ट्राइब ऑफ बेन भी दिया हुआ आता है. सो आपको समझ जाना है कि ये सन्स ऑफ बेन ही हैं. ठीक है, ये एक अपोलो रूम में मिलते थे. इन कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी मीटिंग कहाँ होती थी. तो इनकी मीटिंग कहाँ होती थी? अपोलो रूम में इनकी मीटिंग होती थी. ठीक है, द लेग्स कन्विल्स और सोशलेबल रूल्स वर रिटन बाय बेन जॉनसन फॉर लिटरी डाइनिंग क्लब ही होस्टेड ड्यूरिंग द 1620s. ठीक है, बेन जॉनसन ने जो ये मीटिंग रूम है ये 1620 में होस्टेड किया था इन द अपोलो रूम एट द डेविल एंड सेंट डनस्टन टावन ऑन फ्लीट स्ट्रीट लंडन. ठीक है, फ्लीट स्ट्रीट. सो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ मिलते थे. तो ये अपोलो रूम में मिलते थे 1620s में. इनका जो बोल सकते हैं कि बेन जॉनसन ने होस्ट किया था इस ग्रुप. ठीक है, इस ग्रुप में जो 11 मेंबर्स थे उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ, बट फिर भी मैं आपको बताऊँगी.
सो आपको मे बी प्रॉब्लम आए नोट्स बनाने में, सो आप गूगल कर सकते हैं कि हु आर द सन्स ऑफ बेन, ठीक है? तो पूरी लिस्ट 11 जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं जो डिटेल्स है उसमें इनके जो 11 नाम है वो डाल दूंगी यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी उन 11 नाम को देख सकते हो। सो मैं आपको नाम बताती हूँ। सबसे फर्स्ट है रिचर्ड ब्रॉम, ठीक है? टॉमस नोब्स, सेकेंड इज टॉमस नोब्स, हेनरी ग्लेपथॉन, एंड फोर्थ इज टॉमस किलिंग्रू, सर विलियम डेविनेंट, विलियम कार्टराइट, और शेकरली मैरिमियन, जॉस्पर मेन, पीटर हाउस्टेड, टॉमस रेंडोल्फ, विलियम कैवेंडिश। ये 11 नाम मैंने आपको बता दिए। मे बी मैं इनका परफेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पाई हूँ, सो आप इनका प्रोनंसिएशन भी देख लें और इनके जो नाम हैं उनकी एक लिस्ट बना लें और उनके नाम को याद कर लें कि ये जो 11 जने हैं ये कौन है। सन्स ऑफ बेन और ट्राइब ऑफ बेन के नाम से जाने जाते हैं। इनको सन्स ऑफ बेन और ट्राइब ऑफ बेन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये राइटिंग स्टाइल फॉलो करते हैं बेन जॉनसन की। बेन जॉनसन जो है वो एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट है रेनेसा एज के। उनका लाइफ स्पैन 1572 टू 1637 माना जाता है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे वर्क्स लिखे हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है वो भी उन्होंने पॉपुलराइज किया, ठीक है? इनके बहुत सारे अच्छे वर्क, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और वॉलपोन, द फॉक्स, ऐसे बहुत सारे वर्क्स इनके बहुत फेमस है, द एल्केमिस्ट। सो आपको जो बेन जॉनसन है उनको डिटेल में पढ़ना है, और ये जो सन्स ऑफ बेन हैं इनके जो 11 मेंबर्स हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो बेन जॉनसन हैं उनको फॉलो करने वाले और भी पोएट्स थे जिनको कैवेलियर पोएट्स बोला गया, ठीक है? कैवेलियर पोएट्स बोला गया, तो कैवेलियर पोएट्स जो है इन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो वो आप वीडियो ज़रूर देखना कैवेलियर पोएट का, ताकि आपको ध्यान में रहे कि बेन जॉनसन को फॉलो करने वाले टू ग्रुप्स थे। तो आज का जो ग्रुप था वो सन्स ऑफ बेन और ट्राइब ऑफ बेन के नाम से जाना जाता है, और जो मैं सेकंड जो इसका वीडियो बनाऊंगी वो कौन रहे हैं? कैवेलियर पोएट्स रहे हैं, ठीक है? तो उसका अलग से वीडियो आप देखना। और कैवेलियर पोएट्स के ऑब्वियस बात है कि वो ग्रुप जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आपको याद रखना ज़रूरी है। तो आई होप आपको आज का वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि सन्स ऑफ बेन, और बहुत ही इजी टॉपिक था सन्स ऑफ बेन के, बस नाम याद करने हैं इनके 11 नाम। और आपको पता होता है दैट लिटरेचर में नाम जो है वो याद करना इज़ टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि इनका प्रोनंसिएशन ही बहुत अजीब सा होता है, बट फिर भी आप याद करोगे तो एग्ज़ाम में आपको देखते ही समझ में आ जाएगा दैट ये जो है ये सन्स ऑफ बेन ग्रुप का मेम्बर है। सो अगर आपको मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऑब्वियस मैंने अपने जो ग्रुप उसमें मैंने अपने चैनल पे लिख भी रखा है, ऑल्दो आई एम नॉट अ परफेक्ट टीचर हियर, आई एम अ लर्नर ऑल्सो, सो आपकी वजह से मैं भी कुछ सीख पा रही हूँ। थैंक यू सो मच।